एक प्रयास है प्रकृति का श्रृंगार बनाए रखने का, एक आरंभ है धरा की धानी चुनर बचाए रखने का, एक प्रण है माँ के नाम पेड़ लगाने का, एक संकल्प है पर्यावरण संरक्षण का, एक कदम है अपने मध्य प्रदेश को संवार। माँ और प्रकृति जो है वो माना जाता है कि निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, और इसीलिए आइए हम माँ का सम्मान करें और प्रकृति संरक्षण के नाम पर एक पौधा लगाएं माँ के नाम पर। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुहिम की शुरुआत की है, एक पेड़ माँ के नाम। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर ही दी है और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पौधा लगाया, और उससे पहले पूर्व सीएम जो हैं वो प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं वो पौधारोपण करते आए हैं और हरियाली खुशहाली का संदेश देते आए हैं। इसी तारतम्य में आज जबलपुर शहर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अपनी पत्नी और माता जी के साथ पौधारोपण किया और एक पेड़ माँ के नाम पे लगाया, और इस पेड़ का नाम उन्होंने गंगा रखा क्योंकि उनकी माँ का नाम गंगा है। और एक चीज और भी है कि नीम का पेड़ जो होता है हम सभी के लिए काफी फायदेमंद रहता है, चाहे पत्तियों की बात कर लें, चाहे जड़ की बात कर लें, चाहे छाल की बात कर लें, हर एक चीज निम्बोली की बात कर लें, वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ उन्होंने एक संदेश भी दिया है पूरे जबलपुर वासियों से, यह अनुरोध किया है कि आप सभी अपने माता के नाम पर एक पौधा लगाएं और इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, फोटो क्लिक कीजिए और उसके साथ ई सर्टिफिकेट पाइए, एक पेड़ माँ के नाम की इस मुहिम में जुड़िए। तो रेवा टीवी भी आपसे यही अपील करता है, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश के आंचल में हो हरियाली ही हरियाली। एक पेड़ माँ के नाम।